भारत आकर पति सौरभ कांत तिवारी को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ी बांग्लादेशी महिला सोनिया अख्तर के लिए राहत की खबर है। सोनिया अख्तर बीते 40 दिनों से नोएडा में जगह जगह न्याय की आस में भटक रही है। उसे अब इंसाफ मिलने की आस जगी है। बांग्लादेशी हाई कमीशन के माध्यम से की गई सोनिया अख्तर की शिकायत को G20 में आई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अग्रिम कार्रवाई के लिए भारत सरकार को प्रेषित किया है। यह जानकारी सोनिया अख्तर और सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने वीडियो जारी करके दी। वीडियो में सोनिया अख्तर अपने वकील एपी सिंह के पास बैठी हुई हैं। सोनिया पति की तलाश में कुछ समय पहले अपने 1.25 साल के बेटे संग नोएडा आई थी। बांग्लादेशी महिला ने इस मामले की शिकायत महिला थाने में भी की थी। अब सीमा हैदर के वकील एपी सिंह सोनिया की भी मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोनिया की शिकायत बांग्लादेश हाई कमीशन को दी गई थी। हाई कमीशन ने शेख हसीना को पूरे मामले से अवगत कराकर शिकायत दर्ज करा दी है। अब शेख हसीना ने शिकायत को कार्रवाई के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेषित किया है। बता दें कि प्रेमी सचिन मीणा के लिए अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के बाद अब सोनिया अख्तर का मामला भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बेटे को पिता का हक दिलाने के लिए 3 अगस्त को भारत आई सोनिया अख्तर बीते काफी दिनों से नोएडा में ही है। सोनिया ने कहा कि वह सिर्फ अपने पति को घर वापस ले जाने के लिए भारत आई है। सोनिया ने बताया कि ढाका की बायतुल मस्जिद में उसका और सौरभ कांत का 14 अप्रैल 2021 को निकाह हुआ था। उसने कहा कि यह निकाह पूरी तरह से मुस्लिम धर्म के अनुसार हुआ था। निकाह के 3 दिन पहले सौरभ ने धर्म बदल लिया था। महिला ने यह भी बताया कि सौरभ से पहली मुलाकात उसके ही ऑफिस में हुई थी। कंपनी में केमिकल सप्लाई को लेकर एक बैठक हुई थी जिसमें सोनिया भी गई थी। सोनिया के अनुसार उसके बाद सौरभ से उसकी बातचीत होने लगी और जल्द ही दोस्ती प्यार में बदल गई। सोनिया ने भारत आकर नोएडा पुलिस के सामने बांग्लादेश में अपने और सौरभ कांत तिवारी के निकाह की तस्वीरें, वीडियो, मैरिज और धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था और वहीं पर बेटे का जन्म होने की बात कही।